दोस्तों कई बार क्या होता है कि हमें कोई यूज़र आईडी, पासवर्ड या फिर कोई टेक्स्ट ऐसा होता है जो हम नोटपैड पर लिख रहे होते हैं या फिर कहीं भी पढ़ रहे होते हैं कोई आर्टिकल वगैरह, तो हमें वो कॉपी करके अपने लैपटॉप पर भेजना होता है या फिर लैपटॉप पर पढ़ रहे होते हैं, कर रहे होते हैं कुछ भी, तो लैपटॉप से कॉपी करके फोन में भेजना होता है। तो हम यूजुअली क्या करते हैं कि उससे कॉपी करा, कॉपी करने के बाद ईमेल करते हैं या फिर व्हाट्सअप के थ्रू हम उसको भेज देते हैं, बट वो फॉरवर्ड नहीं जा पाता। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप डायरेक्ट फोन में कॉपी करेंगे और डायरेक्टली सिंपली जैसे आप नॉर्मल कॉपी पेस्ट करते हैं अपने लैपटॉप में, फोन में सेम टू सेम वैसे ही कर सकते हैं, जैसे कि फोन में अभी मैं यहां पर कॉपी कर रहा हूं और लिखिएगा लैपटॉप में पेस्ट कर रहा हूं, नॉर्मली कुछ भी नहीं करना, सिंपली आपको फोन से कॉपी करेंगे तो लैपटॉप में पेस्ट हो जाएगा और लैपटॉप पे कॉपी करेंगे तो फोन में पेस्ट हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल आप भी कर सकते हैं, तो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक तो देखना होगा। और हाँ यार, सब्सक्राइब कर दें ऐसा ही अपना प्यार बनाए रखें। तो ये सारा कुछ मैं आपको लाइव करके दिखाने वाला हूँ स्क्रीन पर ही, तो अभी आपको स्क्रीन पर ही ले चलते हैं। देखिए दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे पहले अपने प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पे सर्च करना है क्लिप्ट। क्लिप्ट सर्च करने के बाद इस वाले एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, और इधर ही ये डाउनलोड हो रहा है, सेम टू सेम यही एक्सटेंशन आपको अपने लैपटॉप में भी डाउनलोड कर लेना है। तो देखिए, क्रोम वेब स्टोर आपको सर्च करना है गूगल में, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये एक्सटेंशन सेक्शन खुल जाएगा, यहाँ से आप कोई भी एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्लिप्ट मुझे डाउनलोड कर लेना है, यहाँ पे क्लिक करूंगा, सर्च स्टोर लिख के आ रहा है, यहाँ पे लिखूंगा क्लिप्ट। देखिएगा ये क्लिप्ट आ रहा है, ऊपर ही जो साइन आ रहा है ब्लैक कलर का, इस पर क्लिक करूंगा मैं। तो देखिए दोस्तों, अभी मेरे लैपटॉप में ये ऑलरेडी ऐड है, लेकिन मैं भी रिमूव करता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो देखिएगा मैंने रिमूव कर दिया है, यहाँ पर सिंपली ऐसा इंटरफेस खुलेगा आपके पास, तो यहाँ पर ऐड टू क्रोम पर क्लिक कर देना है। ऐड टू क्रोम पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऐड एक्सटेंशन पर क्लिक कर देंगे, और थोड़ी देर चेकिंग होगी, उसके बाद ये ऐड हो जाएगा। देखिएगा आगे यहाँ पर एक नया इंटरफेस खुलेगा आपके पास, जैसे ही ऐड होगा वैसे ही गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। देखिएगा ऐसा इंटरफेस आएगा, अब ये पूछेगा कि ये ईमेल आईडी से ऑलरेडी लॉग इन है। देखिएगा मेरे यहाँ पर ये दिखा रहा है, ये ईमेल आईडी से ऑलरेडी लॉग इन है यहाँ पर, तो ये दिखा रहा है इंस्टॉल ऑन अदर डिवाइस। ये कह रहा है कि अगर आपके दूसरे फोन पर यानी कि ये ऐप इंस्टॉल नहीं है तो इसको इंस्टॉल करिएगा, अगर है तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा। मैं इस पर क्लिक कर दूंगा सिंपली, और आई हैव पिंड क्लिप, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, ये सब कुछ सेट है, यू आर ऑल सेट लिख के आ रहा है। अब यू आर ऑल सेट लिख के आ रहा है, यहाँ पर आपको एक काम और करना है, यहाँ एक्सटेंशन वाले सेक्शन में जाना है, यहाँ पर जाने के बाद इसको पिन कर देना है। अगर आपको पिन नहीं करेंगे आप इसको तो ये वर्क नहीं करेगा, आपको पिन कर देना है, ठीक है। सिंपली ये काम आपका डन हो गया है। यहाँ से आप यहाँ से जाने के बाद आपको क्या करना है, फ़ोन उठाना है अपना। अब फ़ोन में आपको ये वाला एप्लीकेशन ओपन करना है, ओपन करने के बाद ऐसा इंटरफेस खुलेगा, एग्री पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ये दिखा रहा है कि साइन इन विद गूगल। अब आपको एक काम हमेशा ध्यान रखना है, ये चीज बहुत मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कि आपने जिस ईमेल आईडी से आपने क्लिप्ट एक्सटेंशन में लॉगिन किया था सेम टू सेम यहाँ पर लॉगिन होना चाहिए। तो साइन इन विद गूगल करता हूँ मैं, और उसी ईमेल आईडी से लॉगिन कर दूंगा यहाँ पर। तो देखिएगा ये ऑलरेडी लॉगिन हो चुका है, वेलकम टू लिख के आया था, अभी आपने आपको पॉपअप देखा होगा। तो ये दिखा रहा है कि लर्न हाउ टू यूज, इसको दिखा रहा है, तो मैं क्लिक कर दूंगा इस पर, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाऊंगा। अब ये परमिशन दिखा रहा है यहाँ पर अपनी प्राइवेसी पॉलिसी, और ये देखिएगा सिंपली यहाँ पर सब कुछ आ चुका है। ये ऑलरेडी मैंने जो मतलब कॉपी पेस्ट किया था वो हिस्ट्री दिखा रहा है यहाँ पर, हिस्ट्री लिखा है, पिंड भी यहाँ पर कर सकते हैं। अब देखिएगा आपको वर्क कैसे करना है, मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखाने के लिए नोटपैड खोल लेता हूँ अपना। देखिएगा नोटपैड खोल लिया मैंने अपना, ठीक है। अब मैं यहाँ पर देखिएगा क्रोम पर जाता हूँ कुछ भी कॉपी करने के लिए। देखिए मैंने अभी सिवाटे सर्च कर लिया है, फाइव सीक्रेट एंड्रॉयड, ये आ रहा है, मैं यहाँ से ये कॉपी करता हूँ, ठीक है। तो देखिएगा मैंने ये सर्च किया सेवा टिप्स, और अपनी वीडियो का ये डिस्क्रिप्शन है उसका ये कॉपी करता हूँ मैं। जैसे ही मैं कॉपी पर क्लिक करूँगा ऊपर एक पॉपअप आ जाएगा सेंड का, ये आ रहा है सेंड का, यहाँ से मैं क्लिक कर दूंगा सेंड, बस मेरा काम डन। अब देखिएगा आप मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर देखिएगा, मैंने अभी कुछ नहीं किया, जैसा था वैसा ही है सब कुछ, ठीक। अब मैं यहाँ पर देखिएगा नीचे मैंने कंट्रोल नहीं, आपको यहाँ क्लिक करके दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिएगा पेस्ट का ऑप्शन आ गया, पेस्ट जैसे ही करूँगा देखिएगा फाइव सीक्रेट एंड्रॉयड ट्रिक्स एंड हिडन फीचर्स, ठीक है। देखिए अब क्या करते हैं, अब देखिए फोन से आपने करके देख लिया, अब क्या करते हैं कि लैपटॉप से फोन में करके देखते हैं। मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, तो देखिए प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल लिखा है, मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको सिंपली कॉपी का बटन दबाना है, और कॉपी मैंने कर लिया है, फोन आपके सामने रखा है, मैं इसको जस्ट उठाता हूँ अभी, और देखिए इसको एक्सपोजर लॉक करके यहाँ पर पेस्ट करके दिखाता हूँ आपको। देखिएगा यहाँ नीचे ऑलरेडी क्लिपबोर्ड में ही दिखा रहा है, यहाँ से भी आप डायरेक्ट पेस्ट कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहें तो डायरेक्ट पेस्ट लॉन्ग प्रेस करिएगा, पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे और देखिएगा पेस्ट हो जाएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, यहाँ से आप कुछ भी कॉपी कर सकते हैं, जो भी आप चाहें यहाँ पर। देखिएगा मैं कुछ और लिखता हूँ, लव यू माई सब्सक्राइबर, अब इसको कॉपी करके देखते हैं, सेलेक्ट किया कॉपी किया, और देखिएगा यहाँ पर आएगा नहीं आएगा, मैं अभी देखता हूँ। देखिएगा लव यू माई सब्सक्राइबर आ गया, यहाँ पर जस्ट आपने सिंपली कॉपी पेस्ट करना है, यहाँ से अगर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, और यहाँ से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। इस ऐप के थ्रू आप केवल यही नहीं, आप यहाँ से फाइल शेयर भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि मुझे ये वाला फोटो अभी लैपटॉप में भेजना है, यहाँ से मैं सेंड वाले बटन पर क्लिक करूँगा,
और क्लिक करने के बाद देखिएगा यहाँ पर मुझे क्लिप का ऑप्शन मिल जाएगा, ये आ रहा है क्लिप का, क्लिप पे मतलब सिलेक्ट करूँगा और अलाउ करूँगा यहाँ से, और सेंडिंग टू क्लिप लिख के आ रहा है, ये देखिएगा अभी सेंड हो जाएगा, और सेंड शायद हो चुका है। और मैं यहाँ पर अभी सामने आपके सामने चेक करता हूँ, देखिएगा ये जो एक्सटेंशन का आपको आइकन दिख रहा है, यहाँ क्लिक करूँगा मैं, और देखिए हिस्ट्री जो लिख आ रही है, और यहाँ से पर देखिए आपको PNG मिल जाएगा जो आपने यहाँ से शेयर किया था यहाँ के लिए। अगर आपको कोई भी पिक्चर अपने लैपटॉप से फ़ोन में भेजना है तो यहाँ से सिंपली आपको अपलोड वाले आइकन पर क्लिक करना है और कोई भी फाइल यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अपलोड जैसे ही करेंगे वो आपके फ़ोन पर चलो शेयर हो जाएगी। अगर आपको हिस्ट्री देखनी है तो सेम टू सेम आपको फ़ोन में भी मिल जाएगी हिस्ट्री, और यहाँ से भी आपको दिखा देता हूँ मैं हिस्ट्री, आपको जो भी कॉपी पेस्ट किया हुआ ये होगा, लेकिन बस ध्यान रखिएगा कि आपको 10 हिस्ट्री दिखाएगा, लास्ट 10, उसके बाद ये ऑटोमेटिक डिलीट कर देता है। यहाँ से आप क्लियर भी कर सकते हैं और पिन करके रखेंगे तो वो डिलीट नहीं करेगा, जैसे कि क्लिपबोर्ड में होता है, आप यहाँ पर पिन करके रख देंगे तो उसको मतलब सेव करके रख सकते हैं, वो डिलीट नहीं होगा। और अगर आपको नहीं पता कि आपने फ़ोन में जो भी कॉपी करते हैं वो सब कहाँ जाता है तो उसके लिए ये वाला वीडियो जरूर देख लीजिए, आई बटन में लिंक आ रहा है और डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो आई होप ये वीडियो आपका प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ा देगा, और मुझे उम्मीद है कि वीडियो बहुत पसंद आया हो, तो पसंद आया लाइक करिए और शेयर करिए, और हाँ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।